शांति और मैत्री प्रतीक धौलीगिरी जहाँ धौली शांति स्तूप बा बौद्ध विहार भाव जनाशुना कलिंग साम्राज्यर कहानी कहे धौली शांति स्तूप कलिंगर इतिहास को जाबुड़ी धरी धौली पत्थर उपर ब्राह्मी रही अशोकों शिलालेख राजधानी भुवनेश्वर लोकप्रिय पर्यटनस्थल गोटे धौली शांति स्तूप एथि वर्ष तमाम लगे लोकों गहली चहली कलिंग साम्राज्यर कहानी कहे धौली कलिंगर इतिहास को एबे भी छाती में जाबुड़ी धरी धौली भुवनेश्वर उपकंठ दयानदी कूल में धौली पहाड़ उपरे रही शांति स्तूप एठार पहाड़ पथर में शिलालेख कलिंग युद्धर कहानी कहे पथर में तैयारी हाथी पछरे रही एक कहानी कहुए यह हूँ भारतवर्षर सर्वपुरातन स्थापत्य हाथी बुद्धों शिष्य मानक खोद बुद्ध को ही सूचाए ख्रीष्टपूर्व 261 बेले कलिंग आक्रमण समय एहिठारे शांति को व्रत करी बौद्ध धर्म को ग्रहण करथिले सम्राट अशोक 1970 मसीह जापान बुद्ध संघ और कलिंग बुद्ध संघर मिलित प्रचेष्टा स्तूप प्रतिष्ठा होता सेबेठू आज जाए शांति और मैत्रीर प्रतीक साजिश धौलीगिरी ओडिशा तथा सर्वभारतीय पर्यटन मानचित्र एक प्रमुख स्थान थौली भुवनेश्वर कोणार्क एवं पुरी भ्रमण में बाहरी पर्यटक मैंने धौली बुली पसंद करते यार प्राकृतिक नैसर्गिक शोभाराजी और शांत वातावरण बर्षर सबु समय पर्यटक को आकर्षित करे। जदि आपण धौली बुलवाक आसुंट तेरे यहाँ धवलेश्वर बिहिरेंगेश्वर भेंकटेश्वर महादेव को दर्शन करि परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जय जगन्नाथ। चकाखी साबु देखु छी आमे लड़ीबू साधारण ओडियांक न्याय रा लड़ी किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती ये भी पार्टी रे तुंडी दे बसु किंतु आमे कहिबू रोक ठोक।